नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और इसी दौरान हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं और इस दिन मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सीएम ने यह भी लिखा है कि मेरा यह अनुरोध है कि आप सभी अमृत काल के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करें ताकि आगे बढ़ता हिंदुस्तान जो है वो हमारा नजर आता रहे। तो वहीं पर पंचकुला के अंदर भी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया और इसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत हासिल की है। इसी अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले साल 2020 और 21 में रहे प्रदेश के 93 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और इसी दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ भी किया। साथ ही राज्यपाल ने शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षित और स्वस्थ बच्चे देश का भविष्य होते हैं। एवं स्वस्थ बच्चे देश का भविष्य है। देश के इस भावी कर्णधार भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए आज यहां से आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सर स्कूल एजुकेशन हरियाणा हेल्थ एंड ट्रीटमेंट शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार 25 लाख स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाए। आज सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति उनके जन्मदिन पर और शिक्षक सम्मान दिवस पर मैं आप सभी शिक्षकों को और हरियाणा के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और मेरा मानना है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं देश को आगे लेके जाने की, लेकिन अगर देश को आगे लेके जाना है तो अगर एक ही कोई संस्था है जो देश को आगे लेके जा सकती है तो मेरा मानना है कि वो शिक्षक समाज ही देश को आगे लेके जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत है, इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन संसाधनों की वजह से पीछे रह गए। तो संसाधन उपलब्ध कराना स्टेट का काम है। केवल अगर उसका अभिभावक कमजोर है तो हम भी तो उसके अभिभावक हैं। हम तो कमजोर नहीं है, सरकार तो मजबूत है। सरकार खबर भिवानी से है जहां पर भिवानी भारत विकास परिषद के बैनर तले जहरगिरी आश्रम के अंदर शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने शिरकत को हासिल किया। कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता और समाज सेवी यशपाल कटारिया ने 35 शिक्षकों को सम्मानित किया और कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जगवीर सिंह ने कहा कि गुरु के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। शिक्षा ही एक ऐसी ज्योति है जिसके प्रकाश से समाज तरक्की करता हुआ नजर आता है और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि शिक्षक का पद सबसे बड़ा पद होता है। उन्होंने पढ़ाई गए छात्र बेशक आईएएस तक बन जाएं लेकिन वो भी शिक्षक से छोटे ही होते हैं। और वहीं पर कार्यक्रम में पहुंचे समाज सेवी यशपाल कटारिया ने कहा कि शिक्षक एक ऐसा दिया है जो अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम करता है। आज भारत विकास परिषद विज्ञान शाखा भिवानी द्वारा जो ये गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन जो कार्यक्रम किया गया है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी गुरुओं को याद करते हुए उनको सम्मानित किया और मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया और सब गुरुओं से रूबरू होने का अवसर दिया, क्योंकि गुरु के कारण से ही ये देश जगत गुरु था और गुरु के कारण से ही जगत गुरु है और गुरुओं के कारण से जगत गुरु रहेगा। शिक्षक तो सदा से सम्मानित रहा है, कोई ये आज पहली बार नहीं है।
और अच्छा शिक्षक जो है समाज में हमेशा सम्मान पाता रहा है अपने शिष्यों के द्वारा, समाज के अन्य हस्तियों के द्वारा, समाज के अन्य वर्गों के द्वारा, और आज प्रत्येक व्यक्ति जो है ना अच्छे शिक्षक की तलाश में रहता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और क्योंकि सारा दारोमदार जो है, सारी धरोहर जो है उसके पास है। भारत विकास परिषद द्वारा जो भिवानी में शिक्षक दिवस मनाया गया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि शिक्षक पूरा वर्ष मेहनत करते हैं तो कोई एक दिन आता है कि उनको भी मान सम्मान मिले, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य भारत विकास परिषद ने किया है। भिवानी में करीब 35 टीचर्स को सम्मानित किया है, इसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं, और जिन शिक्षकों को पुरस्कार मिला वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं सभी को अपनी तरफ से। खबर कोसली से आ रही है, जहां पर संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सुधा यादव रविवार को रेवाड़ी कार्यालय पहुंची, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं पर कोसली के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री विकास यादव भी इसी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें फोटो खिंचवाकर मीडिया की सुर्खियां बनने का मौका नहीं मिला। तो वहीं तो जबरन ही उस बड़ी माला के अंदर घुसते हुए नजर आए हैं, और जो विशेषकर सुधा यादव के स्वागत के लिए मंगवाई गई थी। तो वहीं पर हिसार के अंदर बिजली पंचायत का आयोजन किया गया, और इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने करीब 85 समस्याएं भी सुनी हैं, और इसी के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जनप्रतिनिधियों के 3 बार फोन नहीं उठाए तो अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। और साथ ही बिजली मंत्री ने यह कहा कि प्रदेश के अंदर अभी बिजली के दाम बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है, और पंजाब की तरह बिजली फ्री नहीं कर सकते, लेकिन सरकार किसानों को 24 घंटे बिजली दे रही है, और कोविड काल के दौरान जिन लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे थे और उनका कनेक्शन कट गया था, उनका सरचार्ज माफ किया जाएगा। थोड़े से डिले, उन्हें वार्निंग दी कि हमें लिख के दो टाइम बाउंड कितने दिन में ये काम हो जाएंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट थे, चाहे ट्रांसफार्मर थे, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन थे, और जो बिल्कुल ही जिन्होंने जीरो पे खड़े थे उन्हें हमने लेटर इशू कर दिए कि हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, या तो जल्दी से जल्दी हमारे काम करें ताकि एक डिपार्टमेंट में तेजी से काम सुधार पाए। एक वार्निंग दी है सभी को कि अगर किसी जेई रेस्क्यू के ऑफिस में जो स्टोर इंचार्ज है, इस तरीके की कंप्लेंट्स आती है कि सामान जो है वो लोग मांगते हैं उन्हें देते नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, बाद में उन्हें कहते हैं अपना क्या, और उसके बाद वो सेल कर देते हैं, अगर इस तरीके की है तो इमीडिएट सस्पेंड करो कोई भी अगर यही अरेस्ट। उधर भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के अंदर मुश्तरका मालिकाना जमीन को लेकर प्रदेश की स्तरीय बैठक की है, और इसी बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि आगामी 28 सितंबर को किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। किसान नेता गुरमान सिंह ने यह बताया है कि सरकार जहां जहां किसानों की जमीन कब्जाने का प्रयास कर रही है वहां पर डटकर विरोध भी किया जाएगा, और आगे कहा कि सरकार मुश्तरका खाते के इस जमीनों को कॉरपोरेट को देना चाहती, लेकिन किसी भी हाल में उनको उनके जो मंसूबे हैं वो सफल नहीं होने दिए जाएंगे, और किसान डटकर इस लड़ाई में साथ खड़ा रहेगा। देखिए आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी, और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका जमीनें जो सरकार छीन रही है, और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है, तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के तहत उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग। उधर कैथल की डीसी संगीता तेतरवाल ने इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रही हैं, और आपको बताएं कि उन्होंने सोमवार को नगर परिषद के कार्यालय का निरीक्षण भी किया। इसी बीच 17 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, और नगर परिषद कार्यालय में खस्ता सफाई व्यवस्था को लेकर 4 सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। वहीं डीसी ने बताया है कि उन्हें काफी दिनों से नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही थी, और वहीं जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी जिस भी पद पर बैठा हुआ है वो अपना कार्य जिम्मेदारी और निष्ठापूर्वक निभाता रहे, अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ये नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक
जो कार्रवाई है वो होती नजर आएगी। हमें टाइम से पब्लिक की कंप्लेन आ रही थी कि म्यूनिसिपलिटी ऑफिस में हमें कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। असेसमेंट को लेके स्टाफ के कंप्लेंट्स थी, एनडीसी को लेके कंप्लेंट्स थी, और भी कई सारी तरह की कंप्लेंट्स थी। तो आज मॉर्निंग में इंस्पेक्शन उसी को लेके हुआ, तो बहुत सारा स्टाफ है वो मौके से गायब था। तकरीबन 17 पीपल हैं वो गायब थे। कि म्यूनिसिपलिटी जो पूरे शहर की सफाई के लिए जिम्मेदार है, उसका खुद का ऑफिस बहुत ही गंदा था, टॉयलेट्स के बहुत ही बुरे हाल थे, सब चौक टॉयलेट थे। तो इन दैट केस एडमिनिस्ट्रेशन हो एक्शन ले। तो वहीं पर सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर गोवा पुलिस लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है, और सोनाली के फार्म हाउस, फ्लैट और दफ्तर की जांच के बाद वहां से बरामद तमाम दस्तावेजों की जांच की अनुमति ली गई। गोवा पुलिस से गुरुग्राम कोर्ट में भी गई, और गोवा पुलिस ने दावा किया है कि अभी गुरुग्राम के अंदर जांच बाकी है। और गौरतलब है कि सोनाली मामले में अभी तक उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि अभी भी सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर कब सोनाली की हत्या की गुत्थी सुलझेगी और कब सोनाली के हत्यारे जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आते नजर आएंगे। उधर पानीपत के सरकारी स्कूल के अंदर साइंस के प्रैक्टिकल के दौरान एक हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि जब छात्र साइंस लैब के अंदर प्रैक्टिकल कर रहा था, तो उसी दौरान सल्फ्यूरिक एसिड नीचे गिर गया, और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के नीचे गिरते ही वहां मौजूद छात्र जो है वो खांसी होने लगी। इसके बाद छात्रा की जो हालत है वो ज्यादा खराब होती नजर आई, और इससे पहले स्कूल में ही ठीक करने की कोशिश की गई, और कुछ ही देर के बाद छात्रा को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे रोहतक के पीजीआई में रेफर कर दिया। हमारे पास आई थी कि कोई साइंस एग्जीबिशन था उनके स्कूल में, और उसमें कोई सल्फ्यूरिक एसिड से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो नीचे गिर गया और उसकी फ्यूम्स उसने इनहेल कर ली। तो सल्फ्यूरिक एसिड काफी टॉक्सिक होता है गले के लिए, फेफड़ों के लिए। जिस कंडीशन में पहले आई थी उससे तो खबर बादली से आ रही है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे हरियाणा में हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन आक्रमण चला रखा है, और इसी को लेकर चार टीमों का गठन किया गया। तो वहीं पर टीमों के अलग अलग इलाकों के अंदर चेकिंग पर भेजा गया है, और आपको बताएं कि एक टीम बादली थाना के मोस्ट वॉन्टेड मैनपाल के घर पर पहुंची, जहां पर छापेमारी के दौरान उसके भाई के घर की तलाशी ली गई। इससे 16 बोतल महंगी शराब बरामद की गई है, और बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे हरियाणा में पुलिस ने ऑपरेशन आक्रमण चला रखा है, और आक्रमण ऑपरेशन को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्र के अंदर जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनके घरों की तलाशी ली जा रही है, और हर एक घर की पुख्ता तौर पर पुलिस तलाशी लेती नजर आ रही है। थाना बादली के मोस्ट वांटेड मेनपाल डीला, जो कि प्रोक्लेन ऑफेंडर है थाने का, 5 लाख का इनामी बदमाश है, उसके घर पर पहुंची एक टीम हमारी। तो जैसे उसके घर के बाहर पहुंची तो उसको कुछ टीम को कुछ आवाजें अलग से खटपटाट की सुनाई दी। शक के बिना पर उसका गेट खुलवाया गया, तो गेट पर उसका भाई विक्रम पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस को देखते हुए घर में अंदर की तरफ भागने लगा, जीनों पर चढ़ने लगा। पुलिस ने काबू किया उसको और तलाशी ली, तो उसके पास से 16 बोतलें महंगी शराब विस्की बरामद हुई है। उसको इस मामले में अरेस्ट किया गया। तो वहीं पर खबर अब झज्जर से है, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर लात घूसे और चाकू चलते हुए नजर आए हैं, और ये पूरा मामला झज्जर महिला थाने का है। दरअसल पीड़ित ने ये बताया है कि बहन की तारीख को लेकर झज्जर महिला थाने में बुलाया गया था, और दूसरे पक्ष को भी वहां पर बुलाया गया। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में जमकर लड़ाई हुई है, और लड़ाई के अंदर लड़की पक्ष वाले एक युवक को सर में चाकू भी लग गया। इसके बाद पीड़ित ने 112 पर कॉल की, और वहां पर पुलिस को सूचना दी गई, और उसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई, और के बाद पुलिस और एम्बुलेंस जो है मौके पर पहुंचती हुई नजर आई है। 8 तारीख को आ रहे थे, अजय उसके 7-8 दस बंदे और थे। हम जी जैसे ही बाहर आए, पहला जी उन्होंने अंदर रहा, जिन्होंने मेरा दबाव बनाया, पहला जिन्हें मर्जी हमने करा नहीं जी। गड्डी में एक हथियार ले रहा था, और जी हाथ में चक्कू था, चक्कू ने मेरे जी हड़े का छोटा चक्कू ले रहा था मुक्का। अच्छा, सीधा मैं अपनी गड्डी लेना आ रहा जी हड़े दिया। आपका जी मेरी सिस्टर वहां खड़ी थी, हाथ में छोटा चक्कू ले रहा था, सीधा
अंबाला कैंट आर्मी स्कूल के पास आर्मी ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है और हादसे के अंदर बाइक पर सवार छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा, जहां घायल छात्रों को आर्मी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया लेकिन डॉक्टरों ने एक छात्र को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे छात्र की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। आज सुबह करीब 7:15 बजे सूचना मिली थी कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल से रोड अंदर जाता है तोपखाना की तरफ, सच्ची सरकार दरगाह है, उसके पास एक ट्रक, आर्मी का ट्रक जो बस के तौर पर यूज करते हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ है एक मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल पे दो लड़के थे उसमें जो KV2 स्कूल में पढ़ते हैं। खबर गोलाचिका से है जहां पर मनरेगा मजदूर यूनियन ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के अंदर मान्य विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यालय अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। योजना के तहत काम नहीं मिलने को लेकर 10 गांव के मनरेगा मजदूरों ने BDPO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मनरेगा मजदूर महिलाओं ने कहा है कि 2 महीने पहले डिमांड लेटर जमा करवा दिया जाता है लेकिन अधिकारी कोई भी गौर नहीं करते। मनरेगा स्कीम के तहत 15 दिन के अंदर कार्य नहीं दिया जाता है तो उन्हें बेरोजगार भत्ता देने का नियम बना हुआ है लेकिन अधिकारी ना तो रोजगार उपलब्ध करवा पाते हैं और ना ही बेरोजगारी का लाभ उन तक पहुंचवा पाते। यूनियन के सदस्यों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपा है और वहीं पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। मांग की है, काम की हमारे गांव में मजदूरों काम दिया जाए, इनके मांग पत्र ले लिया गया है और जिनके मांग के अनुसार जिन जिन गांव में नरेगा स्कीम के तहत काम उपलब्ध है वहां पर इनको काम उपलब्ध करवा दिया जाएगा समय के अनुसार। करते हैं जो पहले आ रहे हैं उनको पहले दिया जाता है, जो बाद में आ रहे हैं और काम की जो रूपरेखा होती है, जो गांव में कई इरीगेशन के काम, नहरों के काम, कई सड़कों के काम है, कई तालाब सफाई के काम है, जिस अनुसार जो पहले आ जाता है उसको पहले काम हमारे पास पेंडिंग है तो उसको देते हैं। समस्या मजदूरों ने काम के जो डिमांड करते हैं वो अभी ने 2 महीने के आसपास हो गए हैं और कानून ये कहता है यदि 15 दिनों के अंदर अंदर यदि काम नहीं दिया गया तो उनको बेरोजगारी भत्ता दो। आमिन से आज ये पूछने आए हैं, हमने 2 महीने के काम के फार्म जमा कराए थे, ना तो आपने काम दिया है और ना हमारे को बेरोजगारी भत्ता दिया है। जी हमने धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि मनरेगा मजदूर यूनियन में जो मनरेगा वाले हैं उनको 2-2 महीने डिमांड जमा करवा के जाते हैं BDPO कार्यालय में, कोई जवाब नहीं देते उस डिमांड का, मजदूर ऐसे ही भटकते रहते हैं, काम नहीं। तो यहां पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों ने तुलशाम क्षेत्र के अंदर फसल खराब का उचित मुआवजा सरकार से देने की मांग की है और इसी विषय को लेकर SDM कार्यालय तुलशाम में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है कि खरीफ की फसल खासकर के मूंग, कपास और ग्वार की फसल जो है वो अज्ञात बीमारी के चलते नुकसान से भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही, इसके लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए और संगठन के जिला प्रधान कामरेड रोहतास सिंह ने यह कहा है कि काफी जगह पर अधिक वर्षा होने से जलभराव के कारण कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ और ग्वार और मूंग की बीमारी के चलते 80% तक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। फसल खराब की भरपाई करने के लिए किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। अपनी जो खरीफ की फसल थी ग्वार मूंग और कपास, ये हमारे किसानों की 80% से 90% तक खराब हो चुकी है। हम सरकार से मांग करेंगे तुरंत गिरदावरी करवा के न और किसानों के खातों में 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दें ताकि आगे की फसल अपने बोने के लिए कुछ वो कर सके। तो क्या मुख्य कारण है जिससे फसल खराब हुई? फसल खराब होने का कारण जैसे करड़ी में तो पानी भरा हुआ है, किसान को जितना खर्चा लगना चाहिए ना खरीफ की फसल के लिए उतना सारा खर्चा और जितनी मेहनत करनी चाहिए ना उतनी मेहनत सारी हम आज कर चुके हैं हमारी फसल के, लेकिन अब हमारी फसल है ना वो मान के चलो अब 10 या 20% ही बची है, इतना इसमें ये झुलसा रोग पता नहीं क्या क्या रोग हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हमारी फसल 80 से 90% खराब हो चुकी है और हम सरकार से इसका था कि स्पेशल गिरदावरी करवा के एक तो कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए और जो जिनका बीमा है ना उनका जो क्रॉप कटिंग का उसका हिसाब से किसानों को विश्वास में लेके किया जाए कि कहीं हमारे।
खबर अंबाला से है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर कई बार डीसी कार्यालय गए हैं और रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। इसी को लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि पिछले काफी समय से उनकी कई मांगें लंबित पड़ी हुई हैं और पशुओं में आई बीमारी को लेकर मुआवजा और फसलों की गिरदावरी को लेकर मुआवजा और नारायणगढ़ शुगर मिल के अंदर गन्ने के बकाए पेमेंट को लेकर अभी तक उन्हें कोई भी हल नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा, अगर उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिलता है तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मांगों को लेकर नहीं आता, जो मांग पत्र दिए हुए हैं पहले जो 29 तारीख को दिया था, एक पहले 15 तारीख को दिया, उनके जवाब के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है सरकार ने, डीसी ने या प्रशासन ने, हमारे पास कोई भी लिखित में उत्तर नहीं आया है। ना ही हमें गाँवों में कोई पटवारी गिरदौरी करता मिला है, ना ही किसी ने हमसे रिपोर्ट मांगी है। इसलिए इनसे पता करने आए हैं डीसी कार्यालय में कि भी आपने हमारे जो मांग पत्र आपको दो दिए थे उनके बारे में आपने क्या। तो वहीं पर चहलकला के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय को दूसरे स्कूलों के अंदर मर्ज करने को लेकर ग्रामीण व स्कूल प्रबंधक कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें निर्णय ये लिया गया है कि स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध के अंदर शहीद हुए धूप सिंह के नाम से स्कूल का नामांकन किया हुआ है और स्कूल तोड़ने को लेकर शहीद का अपमान होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर ग्रामीणों ने सरकार से ये मांग की है कि स्कूल को दूसरे स्कूल के अंदर मर्ज नहीं किया जाना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो एक बड़े आंदोलन को लेकर आगे कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। उधर कनीना उपमंडल के गांव कोटिया के अंदर अध्यापकों की कमी के चलते अभिभावक काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर अध्यापकों को स्वीकृत पत्र सर्जित करने की मांग करते हुए वहां पर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का यह कहना है कि अध्यापकों के ना होने से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ता है और ग्रामीणों ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है और हमारी बात आगे तक पहुंचाने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। हमारा एक सरकारी स्कूल है जीजीएमएस कोटिया, उसमें बच्चों की संख्या 18 है और क्या नाम है उसमें जो पोस्ट हैं सैंक्शन पोस्ट 5 थी, 5 को तोड़ करके 2 पोस्ट। तो वहीं पर खबर अब कालावाली से है, जहां पर कालावाली के गांव के अंदर ग्रामीण और भारतीय नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और स्कूल के अंदर ताला जड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का यह कहना था कि शिक्षकों के तबादले से बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूल के अंदर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर रहा है। आने वाले दिन अध्यापक जरूर भेजे हैं, जे साड़ी मांग पूरी ना हुई तो अभी धरना एवं जारी रखांगे, आने वाले दिन सड़क जाम रखांगे। साडे स्कूल बारे जिहड़ी कोई सरकार ने सोच गलत करी है, यह बहुत माड़ी है। साडा स्टाफ वध तो वध होना चाहिए, समय की घटात आ, साडे बच्चे पढ़नगे किहड़े लोट, यह सरकार का कोई खट्टर वर्गां का कोई असीं कुछ देना, असीं आपदे स्कूल आप बनाए। आज गांव कुरंगावाली में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने मिलकर स्कूल को ताला लगाया है और सुबह से धरना चल रहा है। हम नौजवान भारत सभा की तरफ से इसके समर्थन करने पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार की ट्रांसफर नीति के कारण लगभग जैसे स्कूल अध्यापकों के जहां से चले गए हैं इसलिए खाली हो गया है और ये समस्या पूरे हरियाणा में है कि कई गाँवों के स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल। तो वहीं पर बिजली विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बादली केडासा बॉर्डर एकेडमी के पास एक हाई टेंशन तार टूट गया और तारों की चिंगारी उठने से गनीमत यह रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, और नहीं तो एक बड़ा हादसा होता हुआ यहां नजर आ सकता था और सड़क पर टूटकर गिरे बिजली के तारों से मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ आवागमन जो है वो बाधित होता हुआ नजर आया। एक लंबा जाम लग गया और वहीं पर मौके पर पहुंची पुलिस जाम को खुलवाती नजर आई।
ये बादली की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क पर एक लंबा जाम दरअसल इसलिए लगता हुआ नजर आया, हाई टेंशन तार जो था वो रोड पर जाकर गिर गया। इससे काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि हाई टेंशन तार जो होता है उसमें एक बड़े पैमाने पर करंट की मात्रा बहुत अधिक होती है। दोनों साइड जाम बड़े पैमाने पर दिखाई दिया और उसके बाद इस तार को लेकर वहां पर बिजली विभाग की टीम को सूचित किया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जो लंबा जाम लगा हुआ था पुलिस ने वो जाम खुलवाया और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो होती नजर आई। तो वहीं पर दिल्ली के कैलाश हिल्स और ईस्ट ऑफ कैलाश के निवासियों ने एक समाज सेवी एवं स्वयं सहायता समूह ने शिक्षक दिवस पर सराहनीय कदम उठाया है और स्कूल ने 6 साल से 14 साल तक के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की प्रतिभा को उभारने और शिक्षा के स्तर को सुधारने की पहल की। गौरतलब है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हर रविवार को शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई के साथ ही छात्रों की प्रतिभा को भी विकसित किया जाएगा। समाज कल्याण के इस कार्यक्रम के रूप रेखा तैयार करने में कैलाश हिल्स के निवासी और वेनेट यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दशा शर्मा ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। राइजिंग स्टार कार्यक्रम की शुभारंभ समारोह में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हासिल की और इस दौरान अपने संबोधन में डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने राइजिंग स्टार कार्यक्रम की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों के जागरूक रहना चाहिए और वहीं पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा में नेता विपक्ष के सचिव रविंद्र गैरीमेला ने शिरकत हासिल की है और रविंद्र गैरीमेला ने यह भी कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रेरणा बताया। कार्यक्रम के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उप पुलिस अधीक्षक आलोक के कुमार और आरएसएस के प्रांत सेवा प्रमुख मिथिलेश कुमार और मानव मंदिर गुरुकुल की साध्वी समता ने भी शिरकत हासिल की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।